नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेड टोसेस। आज हम बात करने वाली इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। अब आप बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही सिंपल तरीका से पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे आप पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन कर देते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, टूलकिट खरीदने के लिए बिल्कुल फ्री में 15,000 रुपये आपको दिया जाएगा और ट्रेनिंग के लिए आपको पर डे के हिसाब से दिया जाएगा 500 रुपया और यहां तक कि 3,00,000 रुपये तक का बिना किसी गारंटी का आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो कैसे आवेदन करना है, किन लोगों को आवेदन करना है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसका प्रक्रिया है, सब कुछ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप का किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर में टाइप करना है पीएम विश्वकर्मा योजना, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है पीएम विश्वकर्मा, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। पीएम विश्वकर्मा योजना का ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जो इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना में अभी तक कितने लोग आवेदन किए हैं सब कुछ यहाँ पे देखिए काउंट करके बताया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करते हैं तो किस प्रकार से बेनिफिट मिलने वाला है, चलिए सबसे पहले हम बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है थ्री लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है स्कीम बेनिफिट्स के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना में आवेदन करते हैं तो सबसे पहले जो है कि गवर्नमेंट के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना का एक सर्टिफिकेट, एक आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। स्किल सीखने के लिए आपको बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग का पर डे के हिसाब से आपको 500 रुपया पर डे दिया जाएगा। और जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा टूलकिट खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपया दिया जाएगा। यहां तक कि फर्स्ट टाइम आपको 1,00,000 रुपया का लोन भी दिया जाएगा, जो 18 मंथ के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 18 मंथ में जो है कि 1,00,000 रुपया को रिपेमेंट कर देना है, लोन को वापस कर देना है। और इस लोन को अगर आप सही समय पे रिपेमेंट कर देते हैं, वापस कर देते हैं, तो फिर आप दूसरा लोन 2,00,000 रुपये तक का ले सकते हैं, जो 30 मंथ के लिए दिया जाएगा। इस लोन का इंटरेस्ट ब्याज लगने वाला है इतना परसेंट से लेकर इतना परसेंट तक लगने वाला है। इस स्कीम के तहत और भी आप सभी को बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम जान लेते हैं कि कैसे आवेदन करना है, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है हाउ टू रजिस्टर के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे 4 स्टेप दिया गया है। 4 स्टेप में जो है कि रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा लॉगिन के ऑप्शन, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है लॉगिन करने के लिए। पहला ऑप्शन दिया गया है बेनिफिशियरी लॉगिन का, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सीएससी लॉगिन का, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एडमिन लॉगिन का। तो यहीं से आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो सीएससी लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपको लॉगिन करना है। जैसे आप अगर बेनिफिशियरी लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन होता है और यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करने का ऑप्शन आता है। इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना। तो जैसे आप सीएससी से लॉगिन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है नो और उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर को टाइप करना है और यहाँ पे वही मोबाइल नंबर को टाइप करना है जो आधार कार्ड के साथ लिंक है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर को टाइप करना है, बॉक्स पे टिक आउट करना है, जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है, ओटीपी को इस बॉक्स में टाइप करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर को टाइप करना है, आधार वेरिफिकेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पे बॉक्स दिया गया है, बॉक्स पे टिक आउट करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है वेरीफाई बायोमेट्रिक को ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम में बायोमेट्रिक लगा हुआ होगा, उस पर फिंगर लगाना होगा। उसके बाद आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स होगा यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे नेम को ले लिया जाएगा, फादर्स नेम को ले लिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ को ले लिया जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मैरिड स्टेटस, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना है,
यहाँ पे डिसेबिलिटी को सिलेक्ट करना है, विकलांग है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और किस कैटेगरी का विकलांग है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, यहाँ पे आधार नंबर ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, पैन कार्ड है तो यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जिसमें यहाँ पे अब फैमिली डिटेल्स को फिलअप करना है। तो फैमिली डिटेल्स में दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड नंबर को टाइप करना है, ये ऑप्शनल है, अगर है तो टाइप करना है, नहीं तो छोड़ देना है। आपके घर में जितना भी फैमिली है, जितना भी मेंबर्स है, सभी मेंबर्स का नाम को ऐड करना है, उसके लिए ऐड नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार से कॉलम ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मेंबर्स का नाम, रिलेशन, यहाँ पे आधार नंबर उसका टाइप करना है, इसी प्रकार से मेंबर्स का नाम यहाँ पे टाइप करना है, रिलेशन को सिलेक्ट करना है, आधार नंबर को टाइप करना है, जितना भी घर में मेंबर्स है सभी मेंबर्स का नाम यहाँ पे टाइप करना है, आधार नंबर को टाइप करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है, जो आपका आधार कार्ड में डिटेल्स होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल्स को ले लिया जाता है। आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा, एड्रेस यहाँ पे कॉलम में फिलअप हो जाता है, स्टेट का नाम ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम को सिलेक्ट करना है, एरिया का पिन कोड नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। करेंट एड्रेस और आधार का एड्रेस दोनों सेम होगा तो इस बॉक्स पे टिक आउट करना है, अगर अदर होगा तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करना है, अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ग्राम पंचायत से है तो आपको यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ब्लॉक का सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ग्राम पंचायत के नेम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जिसमें यहाँ पे ट्रेड डिटेल्स को फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड के नेम को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा, बॉक्स पे टिक आउट करना है, यहाँ पे बिजनेस एड्रेस को सिलेक्ट करना है, आधार एड्रेस पे बिजनेस है या फिर करेंट एड्रेस पे जिस पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जिसमें यहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स को फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना बैंक के नेम को सिलेक्ट करना है, बैंक का आईएफएससी कोड को यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे ब्रांच के नेम को सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर को टाइप करना है, कंफर्म अकाउंट नंबर को टाइप करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जिसमें यहाँ पे देखिए बोला गया है कि अगर आप क्रेडिट सपोर्ट के लिए अगर आप लोन भी लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, बाद में आप ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यस वाले ऑप्शन को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कितना आप लोन लेना चाहते हैं। पहली बार इस स्कीम के तहत अगर आप लोन लेते हैं तो 1,00,000 रुपये तक का आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, 1,00,000 में जितना आप लोन लेना चाहते हैं यहाँ पे टाइप करना है, मिनिमम जो है कि 50,000 तक आप लोन ले सकते हैं। अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो आपको क्या करना है, सेविंग बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आप डिजिटली एक्टिवेट करना चाहते हैं, UPI से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना UPI ID को टाइप करना है, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जिसमें यहाँ पे देखिए बताया गया है स्किल ट्रेनिंग के लिए। तो स्किल ट्रेनिंग लेने के लिए आपको यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बेसिक इसका ट्रेनिंग जो दिया जाएगा 5 दिन के लिए रहेगा, एडवांस में आप जो है कि 15 दिन तक का ले सकते हैं, और पर डे के हिसाब से आपको 500 रुपया दिया जाएगा, और टूल किट खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपये की राशि दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक डिक्लेरेशन का पेज देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे दिख जाता है बॉक्स, बॉक्स पे टिक आउट करना है, उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन सक्सेसफुली हो गया है। तो इस तरीका से आप जो है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास CSE ID है तो इस तरीका से आप जो है कि घर बैठे अपना मोबाइल फ़ोन में CSE ID को लॉगिन करके इस तरीका से आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपके पास CSE ID नहीं है तो जो भी आपके नज़दीक में CSE सेंटर है वहाँ पर आपको चले जाना है और वहीं से आपको आवेदन करवाना होगा। इस योजना में 18 कैटेगरी को ऐड किया गया है। अगर आप कुम्हार हैं या फिर सुनार हैं या फिर लोहार हैं या फिर मिस्त्री हैं, जो भी हैं, यहाँ पे 18 कैटेगरी को ऐड किया गया है, इसमें से कैटेगरी में से आते होंगे, तो फिर आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन करके आप गवर्नमेंट से बेनिफिट उठा सकते हैं। और इस PDF को अगर आप पूरी डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर हम सेंड कर देंगे। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल का लिंक जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।